जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हाँ तो मैं कुछ कह रहा हूँ कि मेरा एहसास है तुम्हें, पता है मुझे तुम मम्मी और रिदा के लिए आई हो, इसलिए कह रहा हूँ जाके बैठ जाओ, मैं देख लूंगा। तरह से क्यों बात कर रहे हैं? मुझे तकलीफ होती है जब ऐसे बात करते हैं। माजरत, आपको तकलीफ हो रही है? अरे होना इसके उलट चाहिए था, पर झगड़े के बाद तो बीवी से सही मुंह बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे शक करना चाहिए था उसके किरदार पे। मैं कहे दे रही हूँ, ये सब किसी तगड़े तावीज गंडे का असर है जो उस पे करवाया गया है, वरना मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। काशवा, हमें इसका कोई तोड़ करना होगा। अरे अम्मा क्या करें, कहाँ जाएं, यहाँ कदम कदम पे तो नकली पीर फकीर बैठे हुए, हमें कैसे पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है? भाई इतना नाफरमान नहीं हो कि अपने बीमार बाप को छोड़कर घूमता फिर? इकबाल भाई ने कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी थी बाजी, पर आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास। आइंदा अगर इस तरह की कोई भी प्लानिंग करनी हो ना, तो घर के सारे अफराद को शामिल कर लीजिएगा, वरना कोई ना कोई फोन करके भांडा फोड़ देगा आपका। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हालदा है घर पर? हाँ हाँ घर पे ही है, उन्होंने कहाँ जाना है। अच्छा मेरी बात सुने, बात ना तरीके सलीके से की। अरे मुझे समझाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि सफीर घर पे है? नहीं वो अभी घर पे नहीं है। चलो ये भी अच्छा है, पहले मैं बात माँ के कान में डालूंगी, फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। जो भी हो नतीजा कामयाबी की सूरत में ही निकलना चाहिए। ऐसा ही होगा, तुम बस पैसे टाइम पे देती रहना। हाँ हाँ वो मैं टाइम पे देती रहूंगी, आप फिक्र ना करें। अब अंदर चले, खाला भी सोच रही होंगी दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। हाँ अच्छा सुनो, सिर्फ चाय पे मत रखा देना, साथ में कबाब और बिस्किट भी लेती आना। चल। तौबा है भाई, कैसे कैसे लोगों को लिफ्ट करानी पड़ रही है। खाला भी ना जवान हसीन लड़की सामने खड़ी हुई है, लेकिन बहू बनाने का ख्याल ही नहीं आता। और वो सफीर साहब, उनकी आंखों पे तो जैसे पट्टी बंधी है। अल्लाह ही हाफिज इन लोगों का। कैसी हो खालदा? सादिया नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? कैसे आना हुआ? लो ये क्या बात हुई, क्या मैं बिना काम के नहीं आ सकती क्या? तुम पता नहीं क्यों हर वक्त लिए दिए में रहती हो। देखो बात तो सच यह है कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सादिया का रिश्ता तय हो गया है। खैर से वो तो अपने घर की हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि मासूमा के बारे में क्या सोचा तुमने? अल्लाह बेहतर करेगा। इसका मतलब है कि तुमने उसके लिए कोई रिश्ता देख रखा है। अरे रिश्ता क्यों नहीं देख रखा होगा, आखिर को सगी भांजी है तुम्हारी। देखो तुम्हारी बहू बन जाएगी ना तो खूब खिदमत करेगी तुम्हारी। अरे तुम्हारा ही बुढ़ापा समझ जाएगा। भाई मुझसे तो एक दो लोगों ने मासूमा के बारे में पूछा था, भाई मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया कि उसके बारे में सोचना भी मत, वो तो अपनी खाला की बहू बनेगी। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं कहनी चाहिए, क्या बुराई है उसमें? अरे इतनी नेक सीरत बाएखलाक इतनी प्यारी बच्ची है, जरा सोचो तुम्हारी भांजी है अपनी। मेरा मतलब ये था कि यूं ही किसी शरीफ लड़के का नाम यूं ही किसी लड़के के साथ नहीं लेना चाहिए। दरअसल मेरा तो यही ख्याल था कि तुम इस बच्ची को अपनी बहू बनाओगी, तुम्हारी भांजी है। और जरा सोचो इस बारे में, सफीर को एक नेक सीरत सादा सी बीवी मिल जाएगी और तुम्हारी भी दिल लगा के खिदमत करेगी, तुम्हारा बुढ़ापा समझ जाएगा। इस बारे में सोचना ज़रूर। कैसी है खाला? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जीती रहो खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। अच्छा खालदा अब मैं चलती हूँ। अरे खाला नहीं, चाय बन रही है, चाय पी के जाइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम इतना इसरार कर रही हो तो अब चाय पी के ही जाऊँगी, बहुत मेहमान नवाज बच्ची है आपकी। मेरी अम्मी हमेशा मुझे सिखाया करती थी कि मेहमानों की खिदमत करनी चाहिए। मैं अभी आपके लिए चाय ले।
हाँ हाँ ज़रूर, बहुत अच्छी तरबियत है इसकी वालदा की और उतनी ही नेक सीरत ये बच्ची है। जल्दी आना था ना, मुझे और भी काम है। अच्छा बात सुनिए, मेरा और सफीर का रिश्ता हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं मेरे? ये सारे देखो, मैंने खालदा के काम में बात तो डाल दी है, अगर तुमसे वो कोई बात करती है ना तुमने मुझे फौरन बताना है। या अल्लाह मुझे बहुत डर लग रहा है, वो खाला मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगी ना? अगर उन्हें शक हो गया कि मैंने ही आपको यहाँ बुलाया तो क्या? अरे तुम तो ऐसे डर रही हो, कोई छोटी सी बच्ची हो, जब प्यार किया तो डरना काहे का? देखो अगर सफीर को हासिल करना चाहती हो ना, खुद को मजबूत बनाओ, और जो तुमने ये थोड़ी सी रकम मेरे हाथ में रख दी है ना, तो देखो बीबी साबरा ऐसे सूखे सूखे किसी का रिश्ता नहीं करवाती। देखो रिश्ता तय होने के बाद तुमने मुझे सोने के कंगन देने होंगे। सोने के कंगन? अच्छा कोशिश कर। कोशिश नहीं, देने होंगे, अगर नहीं देने ना तो अभी बता दो वरना मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दूंगी दूंगी दूंगी, कंगन दे दूंगी, बस आप मेरा और सुरेश का रिश्ता करवा। अरे हाँ हाँ हो जाएगा, अब ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, एक दो जगह मैंने और रिश्ते करवाने। ठीक ठीक है चलो। एक बार सफीर मेरी जिंदगी में आ जाए फिर इस साबरा की सारी अकड़ निकाल दूंगी। विनीत की कई बातों पर मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? जो कुछ मैंने उन्हें कहा उसके बाद उनका यही सब कुछ कहना तो बनता था। वो हमेशा यही समझेंगे कि मैंने उन्हें उनकी हालात की वजह से छोड़ा है, नफरत करेंगे मुझसे। अच्छा ही है ना, वो मुझे ऐसे ही समझेंगे तो दिल से निकालने में वक्त नहीं लगेगा, जल्दी बुला पाएंगे। सादिया, अरे तुम सीधा कमरे में क्यों आ गई? थक गई थी। लगता है तुम्हारे होने वाले ससुराल वालों ने आज तुमसे बहुत काम करवाया, शायद तुम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खुद बहुत काम करने लग गई। कैसा ससुराल? ऐसी कोई बात नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो सादिया, और वैसे भी ये फैसला बड़ों को ही करने दो। मेरा मशवरा है कि तुम मना मत करना, शादी कर लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। क्या आप कह रही? जो कहती थी कि बेवा को शादी करने का हक नहीं, और जो कहती थी कि हृदा के घर में जो आफतें परेशानियां आई वो मेरी वजह से आई। अरे सादिया ऐसा नहीं है, वो असल में मैं साबरा खाला की बातों में आ की बातों का असर हो गया मुझ पे, वरना मैं ऐसा कभी नहीं सोचती तुम्हारे बारे में। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम आराम करो, लेकिन मेरी बात के बारे में जरूर सोचना।
मासूमा यकीन जानो, मैं ये सब कुछ अपनी अम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मेरा दिल किसी तरह से भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। दिल राजी नहीं है लेकिन दिमाग तो राजी है ना, इसलिए ससुराल से आए हुए पैसों की तुम शॉपिंग भी कर रहे हो, कमरे में पेंट भी करवा रहे हो, और तुम्हारी अम्मा जो मोहल्ले में शोर मचाती फिर रही है उसका क्या? ये सब कुछ तुम्हें मेरे दुश्मन ने बताया है। मासूमा मेरा यकीन करो, मैं बहुत उदास हूँ और अब तो शायद सारी जिंदगी उदास ही रहूंगा। वो कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। बात सुनो मेरी, ये आधी आधी रातों को मुझे मिस कॉल मत मारा करो। किसी को शक हो गया ना तुम मेरा वो हशर होगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुमने खुद मुझे इजाजत दी थी, अब तो अक्सर तुम खुद मुझसे बात करती हो। मुनासिब वक्त और हालात देख के कॉल करती हूँ। और बात सुनो, बार बार कॉल करने की कोशिश मत करना, वैसे भी खालों को जरा जरा शक हो रहा है मुझ पर, समझे तुम? अभी तक जाग रही हो? जी, नींद ही नहीं आ रही थी। यकीनन किसी सहेली से बात हो रही होगी। जी। दोस्त भी वो रखे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती। नींद तो आपको भी नहीं आती, तो क्यों ना ये वक्त हम साथ ही गुजार लिया करें। मैं सिर्फ काम के लिए जागता हूँ। चले, क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगे? तुम जरूर चाय पियो लेकिन अकेले, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा। तो फिर क्या फायदा? तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बुलवा लिया होता, इतने सारे काम निकाल कर बैठ गई हूँ। तुम्हें किस ऐसे ऐसे बुलवाती मैं? तुम तो वैसे भी सारे रिश्ते तोड़ने का इरादा बांधे बैठी हो। सारे नहीं, सिर्फ एक, वो भी आप लोगों की बेहतरी की खातिर। अनीत तो हीरा है हीरा, उसे तो मुझसे हजार गुना बेहतर लड़की मिलेगी। तुम्हारे इनकार ने उसे परेशान और उदास कर दिया, हर वक्त उदास रहता है वो। बेवकूफी है ना उनकी, उन्हें समझाएं आप। मैं क्या समझाऊं, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ इस घर का हर फर्द मुझसे दिल से मोहब्बत करता है, इसलिए तो आप लोगों को मेरे अंदर की वो खामियां नजर नहीं आती जिस पे सारा जमाना उंगलियां उठा। मेरी बच्ची, दुनिया की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? अरे उनका तो काम है। ये बात गलत भी तो नहीं है ना, वाकई में सब्स कदम। अभी देखिए, आप लोगों के घर में अभी कदम भी नहीं रखा था मैंने, सिर्फ अनीक के साथ मेरा नाम जुड़ा था। कैसी कैसी परेशानियों ने आपके घर का रुख कर लिया। अगर मैं इस घर में कदम रख लूंगी तो सोचे, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने वालों की बर्बादी हो, मैं उनकी बर्बादी देखूं। और अगर मेरी वजह से वो किसी भी आजमाइश में आएंगे ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। सादिया बेटा, मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे जाने दो। अनीक आने वाले होंगे, मैं दोबारा आऊंगी इंशाल्लाह। फार्मर, ठीक है, लिख लिया? केयरफुल, फुल पॉजिटिव, डन। और आखिरी है, लिखो प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस्ड। इको फार्मर, चेक करो, वाह भाई, बहुत अच्छे बाबा।
अब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अब आप जल्दी से मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलें। अचानक आइसक्रीम की फरमाइश कहाँ से भाई? आप भूल गए बाबा, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था आज आइसक्रीम खिलाने ले चलेंगे, चलें। कब किया था प्रॉमिस? अरे देखो यार, तुम्हारी अम्मी बुरा मान जाएंगी, फिर कभी चलते हैं ना। तो क्या हुआ बाबा, मामा तो हमेशा हमसे नाराज ही रहती हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा बाबा, मुझे ना आपकी बाइक पे लॉन्ग राइड लेनी है। वाह भाई, बड़े मजे आ रहे हैं, चलो सामान रखो। और हाँ, मैं ब्लूबेरी आइसक्रीम खाऊंगा। ओके मेरी जान, आपकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, रखो इसको, आ जाओ आ जाओ। अच्छा मेरा बच्चा। क्या बना रही हो खाने में? अभी खाना नहीं बना पाई मैं। क्या मतलब है अभी तक खाना नहीं बनाया? कर क्या रही थी तुम सुबह से? हाँ वैसे नाश्ता करके जो तुम अपने कमरे में घुसी हो तो दोपहर के वक्त निकली हो, बताओ हो क्या रहा था? यकीनन तुम उस्मान से गप्पे लगा रही होगी फोन पे, है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है, किससे बातें करने में मसरूफ थी तुम? नहीं मैंने आपसे कहा ना मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है आज। रहने दो बीबी, ये तुम्हारे बहाने हजारों बार सुन चुकी हूँ मैं। खैर मैं ये कहने आई थी कि काफी दिन हो गए गोभी गोश्त नहीं बना घर में, मेरा बहुत दिल चाह रहा है वो बना लो। तो आप प्लीज लहसुन और प्याज काट देंगी, बाकी मैं बना दूंगी। प्याज भी मैं काटूं? हाँ लहसुन भी मैं काटूं, तो पीछे बचा क्या है करने के लिए? ये काम तुम्हारे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही करो। नहीं वो मुझे असल में प्याज और लहसुन की स्मेल से कुछ अजीब सा हो रहा है। ये कब से हो रहा है तुम्हारे साथ? वो मैं जा रहा हूँ बाहर, गुड्डू को लेके जरा आता हूँ थोड़ी देर में। ये प्लान कब से बन गया, कहाँ जा रहे हो? यार वो गुड्डू को आइसक्रीम खानी है, बस फरमाइश कर बैठा है तो लेकर दूँ ना, जा रहा हूँ इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी चलती हूँ साथ, मेरा दिल चाह रहा है बहुत आइसक्रीम खाने का, चलो। अरे भाई हम एक घंटे में वापस आ जाएंगे, तुम्हें पांच घंटे बर्बाद करना है, पैसे अलग, वैसे भी एक आइसक्रीम से कहाँ तुम्हारा दिल भरेगा, छोड़ो रहने दो। तुम लेके आओ फिर मेरे लिए आइसक्रीम। जी बनाओ तुम गोभी गोश्त, और मिर्ची थोड़ी तेज रखना। ऐसे क्या देख रहे हो, हाँ क्या मेरा? मेरी बात क्यों नहीं समझते? पहले नहीं समझ रहा था इसलिए गुस्सा था, सुन ली तुम्हारी सारी बातें मम्मी और तुम्हारी, तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की मैंने देखी नहीं। बेवकूफी वाली क्या बात? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, इस घर में कोई दुल्हन बन के आएगी ना लड़की तो वो सिर्फ तुम हो। लड़की कहाँ रही, एक बार किसी और की हो चुकी। अच्छा मैं ऐसे कह देता हूँ कि अगर मेरी कभी शादी हुई किसी बेवा या मुताबिक औरत से तो शर्त है कि उसका नाम सादिया हो। मैं लाहौर जा रहा हूँ जॉब के सिलसिले में, तुम दुआ करना क्यों हो जाए। मैं क्या बात है, पहली बार तुमने मोहब्बत का इकरार कर दिया, थैंक यू। आप क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज समझ रहे। क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ, असल बात क्या है। दोबारा कब आओगी? नहीं मैं आ जाऊंगा। बात चल कि लोगों की बातें ये दिल के वसवसे सब निकाल दो, हम बहुत खुश हैं तुमसे और इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम किस दिन इस घर में आओगी दुल्हन बनकर।
और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मैं इंतजार कर रहा हूँ सच। ऐसी हस्ती रख रहा अच्छी लगती है, अब तो आओगी ना दोबारा क्योंकि मैं यहाँ साथ रहता हूँ। भैया लौकी कैसे रुपए दिए? 80 रुपए किलो। 80 रुपए? और बंद गोभी 100 रुपए। ओहो, सब्जी को भी आग लग गई है। देखो तो ये सादिया रुखसाना खाला के घर से आ रही है। तो रही है। तुमने तो कहा था कि इसने रिश्ते से इनकार कर दिया है। मुझे मासूमा तो ये बताया था भाई। अम्मा तुमने तो कहा था कि मेरे रिश्ते की बात करोगी रुखसाना खाला के बेटे से, मगर लगता है ये जान नहीं छोड़ेगी। सादिया रुखसाना के यहाँ से आ रही हो? हाँ। अरे भाई मैंने सुना था तुमने रिश्ते से इनकार करके काफी अकल का काम किया है। देखो अकल से काम लो सादिया, अब देखो ना वो कंवारा तुम तो शादी कर लेगा पर कल को बहुत पछताएगा। अभी बेवा हो, कल क्या मुतलका होके मैं क्या वापिस आऊंगी, समझ रही हो ना सादिया? देखो मर्द तो वो होता है, शादी से पहले किसी मर्द का नाम भी उसकी बीवी के साथ लिया जाए ना तो शौहर ये बर्दाश्त नहीं करता। और खैर से तुम तो किसी की बीवी रह चुकी हो ना, समझ रही हो ना? हेलो, कल की बात तो समझ ही नहीं आती। चल ना, दर्द हो रहा है, बहुत थक गई। अरे रास्ते में देख लीजिएगा, अभी तो छोड़ दें। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अब्बा मुझे ऐसे लगता है कि अब ना हमें गाड़ी ले लेनी चाहिए। क्या करेंगे बेटा गाड़ी लेके, कहीं आना जाना तो होता नहीं है। और फिर जब जाना हो तो गाड़ी कौन सी चाहिए, एक फोन मिला आ जाती। और मुझे वैसे चलानी भी तो नहीं आती, क्या करेंगे लेके? मैं चलाना सीख लूंगी ना, अल्लाह की कसम अब्बा बहुत मुश्किल होती है आने जाने में। अरे जो आपके दो बेटे हैं ना, इनको बोले सर अपनी जेबें खाली करें और फिर आप गाड़ी लें फौरन। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत आवारा गर्दियां होने लगी हैं। मेरी नरमी का नजायज फायदा उठाओ, सुधर जाओ, बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे खुश देखकर आपका मूड क्यों खराब हो जाता है? अल्लाह अल्लाह, अब्बा ये किस तरह से बात कर रहे हैं बदतमीज से आपके साथ? आप तो खामोश ही रहे, ये सारी आग आपकी लगाई हुई है, आप भड़काती है अम्मा बाबा हमारे खिलाफ। खामोश, खबरदार जब बहन के खिलाफ एक लफ्ज कहा तो। जब आपकी ये बेटी हमारे खिलाफ बोलती है तो इसको इसी तरह डांटा करें ना, ताकि मामलात कभी इतने ना बिगड़े हमारे घर में। खैर मैं रिदा के साथ बाहर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। ओ अल्लाह करे ये रिदा गाड़ी के नीचे आके मर जाए। मेरे इतने प्यारे बेटे को मेरे सामने बोलना सिखा दिया उसने। अब्बा आपने एक बात नोट की है, इसके लहजे में मेरे लिए कितनी नफरत थी ना, ये भूल ही गया कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। और साफ साफ लग रहा है अब ये चाहता है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। अरे वो कौन होता है फैसला करने वाला, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बदल सकता हूँ। सही कह रहे हैं आप, बहुत बदल गया अब भाई है। तुम भी कह रही थी बस बस अम्मी बस देर हो रही है। बेटा आराम से नाश्ता किया करो, हवा के घोड़े पर क्यों सवार रहते हो? काम की नौकरी तो आप जानती हैं। ये मासूमा किधर है, उसे कौन आके नाश्ता कर ले? अंडा भी खाओ। बस अम्मी टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साबरा खाला, कैसी है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा बात सुने, मैं बस निकल रही हूँ, आप फौरन पीछे से आ जाए। ठीक है, ठीक है। नाश्ता तैयार है, आप अभी तक यहीं? तुम कब आई? मैं तो अभी आई थी, आप डर क्यों गई? लेकिन नहीं वो बस तुम अचानक से आई ना तो मैं डर गई। तुम जाओ नाश्ता करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है।
भाई आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, ग्रोसरी करने जाना। आ जाऊंगा। अरे अरे सफीर, आप जा रहे हैं तो मुझे भी रास्ते में मेडिकल स्टोर तक छोड़ दें ना, दर्द हो रहा है, बहुत थक गई। अरे रास्ते में देख लीजिएगा, अभी तो छोड़ दें। क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आया शायद। कब से तुम्हारी हालत ऐसी? 2-3 दिन हो गए। हाँ तुम उस दिन भी कह रही थी ना कि तुम्हें मतली मतली सी हो रही है। पता नहीं अब्बा तुम्हारे कहाँ चले गए हैं, कब से फोन कर रही हूँ फोन ही नहीं उठा रहे, क्या हुआ? इधर आए बैठे मेरी बात सुने। हाँ? अम्मा ये चुड़ैल जो है ना, हाँ? ये प्रेग्नेंट है। अरे सच? तुम्हें किसने बताया? इसका हाल बता रहे हैं भाई। अम्मा वैसे एक बात है, अगर इस चुड़ैल को बच्चा हो गया ना तो इसके पाँव और मजबूत हो जाएंगे इस घर में। उस्मान तो हमें पहले ही नहीं पूछता, फिर तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, मैं बता रही हूँ आपको। भी मेरा सीधा साधा बच्चा है, मैं समझा लूंगी उसे। मैं तो उससे कहूंगी कि मुझे तो पहला पोता ही चाहिए बस। सेब खाएं आप। आप तो खामोशी रहें, आप तो खामोशी रहें। सारी आग आपकी लगाई हुई, सारी आग आपकी, आप भड़काती अम्मा बाबू को हमारे खिलाफ। सफीर को तो ऑफिस जाने की जल्दी थी, लेकिन ये सुबह सुबह मासूमा कहाँ निकल गई उसके साथ? अस्सलाम वालेकुम खाला बहन, कैसी हो? वालेकुम सलाम, आप इस वक्त सब खैरियत है? भाई मैं तो मुबारकबाद देने आई हूँ। किस बात की मुबारकबाद? भाई आखिर को तुमने मेरी बात जो रख ली सफीर और मासूमा को एक करने की। चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। कार में सैर पर जाते हुए दोनों को मोहल्ले की कई औरतों ने देखा है। वो क्या है ना, सुबह का वक्त है ना, तो कोई अपने बच्चों को रुखसत करने और कोई अपने मियाँ को खुदाफिज कहने दरवाजे पे आती हैं। सभी को तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा लगा, सभी खुश हो रही थी। आप क्यों दरवाजे पर खड़ी थी खाला? देखो खालदा, मैं तो कहती हूँ अब घर बसाने की करो, बेटा और बेटी के घर बसाने में अब जल्दी कर दो, ताकि ये भी रुखसाना के घर के चक्कर पे चक्कर ना लगाए और ना ही सफीर मासूमा को गाड़ी में उड़ा उड़ाए फिरे। ये आप क्या कह रही? अरे आ गई मासूमा तुम? दरअसल मैं खालदा को मुबारकबाद देने आई थी। खालदा ने मेरी बात जो रख ली है, तुम्हें इस घर की बहू बनाने लगी है वो अब। ऐसा कुछ भी नहीं है खाला। तो फिर ये दोनों साथ में क्यों घूम फिर रहे हैं? खालदा चल क्या रही है, शरीफों का मोहल्ला है, कुछ ख्याल कर लो। चलती हूँ, हटो आगे से लड़की। तौबा है वैसे इसकी अम्मा, जरा सी तबीयत खराब नहीं हुई है, कमरे में घुस के बैठ गई। बहाना चाहिए ऐसे बंद होके बैठने का बस। पता करना पड़ेगा कोई चक्कर है भी या के बहाना बना रही है काम से बचने के लिए, नाटक कर रही है। वैसे अम्मा एक बात है, अभी ना उस्मान के यहाँ बच्चा नहीं होना चाहिए। पहले उस मनोज के आगे पीछे फिरता रहता है, एक बार बच्चा हो गया ना तो हमें तो बिल्कुल ही भूल जाएगा भाई। कब आए हो? आज जल्दी नहीं आ गए? कुदरत ने मुझे बार बार आपका असल चेहरा दिखाया, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो बार बार आपको नजरअंदाज करता रहा। अच्छा बदतमीजी नहीं करो, बड़ी बहन है तुम्हारी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है अम्मा जैसे काशवा बाजी ही आपकी औलाद है, मैं और अजहर भाई नहीं। हमारी तकलीफ से आपको दर्द नहीं होता? माँ से बदतमीजी करोगे, खुश नहीं रहोगे देख लेना। देखे
आपकी वजह से हमें बदवाएं दे रही है ये। मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारे अपने करतूतों की सजा है। बीवी की बातों में आके तुम्हें ना अच्छे बुरे अपने पराए किसी की तमीज ही नहीं रह गई है। जिनकी बीवियां पटियां पढ़ाने वाली होती है ना, उनकी शौहर हमारी तरह नहीं उस इकबाल की तरह होते हैं। और कितना टाइम हो गया आपको अपने ससुराल गए हुए, अपने ससुराल की शक्ल देखे हुए? बात करती है, और आपका वो जन मुरीद शौहर इकबाल कितना अरसा हो गया उसको अपनी माँ से मिले हुए? बदतमीज, आ लेने दो अपने बाप को, बताती हूँ उन्हें तुम्हारे करतूत। मां बस बस कर दें आप प्लीज, खुदा के वास्ते अपनी इस औलाद को इसके ससुराल भेज दें आप। हमारी जिंदगी अजाब बनाई हुई यहां पे आके, ना हम सुकून से कहीं बैठ सकते हैं ना चैन से घूम सकते हैं इस घर में। आप प्लीज जाएं काशवा बाजी, अपने ससुराल चली जाएं वापस। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी काशवा अपनी ससुराल, यहीं रहेगी। जो तुम्हें करना है ना कर लो। मासूमा बाजी को घर में नहीं लेकर आना चाहिए था बेटा। अगर उसे मैं यहाँ ना लाती तो वो कहाँ जाती है यतीम बच्ची? और वैसे भी जो कुछ हो रहा है इसमें मासूमा का कसूर नहीं है। आप नहीं समझी। अच्छा बेकार बातें मत करो, साबरा को जानती नहीं हो? राय से पहाड़ बना देना उसकी पुरानी आदत है। साबरा खाला के घर के बहुत चक्कर लग रहे हैं, और सुबह जब मैं नाश्ते के लिए बुलाने गई थी ना तो। अच्छा बस, तुम्हें भी गलत सोचने की आदत हो गई है। अच्छा तो फिर आप परेशान क्यों खड़ी हुई हैं यहाँ पे? मैं परेशान नहीं हूं। एक बात याद रखिएगा अम्मी, मेरे भाई ने जो अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल किया है ना, बहुत मुश्किल से हासिल किया है, बहुत मेहनत की है। इसलिए हमदर्दी में और भतीजी की मोहब्बत में आके कोई गलत फैसला नहीं कीजिएगा। ये सारी जिंदगी का सवाल है। जिनकी बीवियां पटियां पढ़ाने वाली होती हैं ना, उनकी शौहर हमारी तरह नहीं उस इकबाल की तरह होते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे काशवा बाजी ही आपकी औलाद, मैं और अजहर भाई नहीं। अरे अरे बैठी रहो, कोई बात नहीं। कैसी तबीयत है? नानी मैं थोड़ी थोड़ी देर पे दिल डूबे जा रहा है। हाँ इतने सैर सपाटे जो करके आई हो, थकन हो जाती है ना तो दिल वगैरह डूबने लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी मुझे भी लग रहा है। अच्छा वो आज तुम आराम ही करना, हाँ खाना वगैरह मैं बना लूंगी। मुझे जब वीकनेस होती है ना मैं ये वाली दवाई खाती हूँ, ये लो। ऐसा करो ये दवाई तुम खा लो, आराम आ जाएगा। हाँ मामा। अरे मामा। गुड्डू बुला रहा है, मैं भी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम रीदा, कैसी हो बेटा? खराब है मम्मी मेरी। क्यों, डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाया तुमने? नहीं मैंने नहीं दिखाया, उसको उल्टी जैसा लग रहा है। सुबह उठती हूँ ना अजीब सा हो रहा होगा। रिदा बेटा मुझे तो लगता है कि अल्लाह पाक ने ना मेरी दुआएं सुन ली हैं, तुम्हारे यहाँ जरूर खुशखबरी है। अच्छा सुनो कोई ऐसी वैसी मेडिसिन मत ले लेना। वो काशवा बाजी ने दवाई दी, मैं वो खाने जा रही थी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं लेनी, पहले डॉक्टर से मशवरा करो फिर जैसे डॉक्टर कहेगी ना वैसे करना। अच्छा सुनो मैं आ जाती हूँ, साथ में सादिया को भी ले आती हूँ,
तुम तैयार रहना। ठीक है मैं नहीं खाती, मैं आपका इंतजार करूंगी अम्मी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हे अल्लाह पाक, काश काश खुशखबरी आ जाए। उस्मान, मुझे आपको बताना था कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। बैग क्यों पैक किया हुआ है? वो अम्मी आ रही हैं, उन्होंने कहा वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगी मुझे। डॉक्टर के पास क्यों जा रही हो? दवाई दी है ना मैंने तुम्हें, पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? घर में रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो वो निकल चुकी होंगी, पहुंचने वाली होंगी। कोई बात नहीं, अगर आ रही है तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैंने दवाई दे दी है, तुम घर में ही आराम कर रही हो, सही हो जाओगी तुम, मैं समझा लूंगी उन्हें। ठीक है, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी कहाँ हैं आप? हाँ उस्मान बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं आपके घर ही आ रही हूँ, रिदा की तबीयत ठीक नहीं ना, डॉक्टर के पास लेकर जाना है। जी बेहतर, आंटी आप रिदा को डॉक्टर के पास ले जाइएगा, और इस सिलसिले में आपको मेरे घर के किसी भी फर्ज से इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसकी माँ हैं, उसके लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, आप ले जाएं उसको। अच्छा ठीक है बेटा, जीते रहो, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उस्मान का फोन था। हाल वाला कुवत, मतलब ये औरत और ये लड़की सब कहां से आ गई है? वो भी खाने के वक्त। अब खाना खा के जाएंगे शायद। हमारे वक्तों में बेटी के घर का पानी पीना भी हराम समझते थे लोग। अरे अब्बा, अगर अच्छे खानदान के होते ना तो ये हरकतें ना करते, इन लोगों से क्या उम्मीद लगाए हम अब। बड़ा बुरा फंस गया मेरा बेटा, मैं तो हर वक्त दुआ करता हूँ मनहूस लोगों से छुटकारा मिले। आमीन। आपने देखा ना, और अब्बा ऐसे दंदनाते हुए घर में दाखिल हुई थी जैसे ये इनका अपना घर हो, जैसे हर शय पे इनका हक हो। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाके देखो तो सही, किस मकसद के लिए आई है वो। जी जाती हूँ। कैसे कैसे समझ से बाहर है। बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। मैं जाके देख के आती हूँ। पूछ रहे थे देर क्यों लग। अरे नहीं बेटा, बैठी रहो, खुद ही आ जाएगी वो। क्या हो गया, परेशान ना हो? और डरे भी नहीं, हम कोई गलत काम करने नहीं आए, उस्मान भाई से पूछ कर लेने आए। वो तो ठीक है, लेकिन लोग यहाँ बैठे हैं। रिदा को लेने आया। अब कहाँ जाने का प्लान है भाई? बेटा वो रिदा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। तो इजाजत किससे ली है उसने? हाँ वो अकेली है इस घर में, और लोग नहीं रहते। हाँ किसी की बात की कोई अहमियत नहीं है, हमसे तो नहीं ली उसने इजाजत। रिदा शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रही, डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जा रही। तुम तो चुप रहो, तुमसे किसने बात की है बदतमीज? रिदा लावारिस नहीं है, और आपको रिदा पे रोक जमाने का कोई हक भी नहीं है। अरे रहने दो ना बेटा, छोड़ो बेटा। वो उस्मान से पूछ कर आए थे हम लोग, उसकी इजाजत से आए हैं, रिदा का चेकअप करवाना बहुत जरूरी था। मैं रिदा को लेकर आती। अरे अब्बा, जिस जिंदगी को चाहा था।